low-level insertion also enables the aircraft to fly low, thereby reducing its chances to be picked up. Which is approximately from the left of this viewpoint to the center, and thereafter would move towards the right, sir. After having the visual on the marking, full level inspection करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखे साइज का मकसद या फिर ऐसे साइज का मकसद ये होता है मतलब पीछे से लोगे ना वो तो अच्छी आएगी, ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे आ जाओ, पूरा टैंक लो ना और पीछे आ जाओ। रखे भाई, रखे प्लीज, आप भी अंदर। चलो, अगर आपकी फोटो हो गई है तो एक मिनट पीछे हट जाइए बेटा। चलो कम यार, डोंट वरी, स्मार्ट वे। ऊपर आओ, ऊपर आओ, थैंक यू। अतुल बोल दो ना, हाँ फ्लैग वगैरह निकाल दो सारा। अतुल ले इधर आ जा, इधर आ पाटिल। एक सबसे बड़ी बात है, कल पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने बयान दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन बेटर होने चाहिए। इंडियन आर्मी चीफ क्या सोचते हैं, क्या कहना है आपके इस बारे में? देखिए, रिलेशन तो सभी चाहते हैं कि बेटर होने चाहिए, जो उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं रिलेशन बेटर होने चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, जो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैल रहा है, उससे तो इस वक्त नहीं लगता कि वो अमन शांति चाहते हैं। और हाफिज़ को सपोर्ट भी उन्होंने बात की थी, हाफिज़ को हम सपोर्ट करेंगे, उसकी पार्टी को सपोर्ट भी करेंगे। वही मैंने बोला, जिस तरह से हमारे को लगता है कश्मीर में जो कार्रवाई हो रही है, अगर वहाँ की कार्रवाई में आतंकवादियों को सपोर्ट देने में अगर वो लोग अपनी तरफ से सही तरीके से पहल करें, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बातचीत होनी चाहिए। पाक और चाइना को क्या मैसेज?
ये तो इस वक्त मैसेज क्या है, मैसेज तो ये तो प्रशिक्षण हो रहा है, मैसेज थोड़ी कोई दिया जा रहा है। तो हम अपनी प्रशिक्षण प्रणाली की जांच कर रहे हैं कि हम कितने काबिल हैं। देखिए ये जो है दक्षिण कमान की जो युद्धाभ्यास चल रहा है, ये प्रशिक्षण की कार्रवाई हो रही है। और हमारा ये जो प्रशिक्षण का जो मकसद है वो है कि हमारे जो बैटल ड्रिल और प्रोसीजर होते हैं उसको वैलिडेट किया जाए। और उसके लिए हमने कुछ कार्रवाई करी है जिसमें स्पेशल फोर्सेस, एयरबोर्न ट्रूप्स और साथ में जो हमारे मैकेनाइज फोर्सेस हैं, सब ने एक साथ एकजुट होकर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन किया है। इसका कुछ, इसके जो कुछ अंश हैं, ये एक्सरसाइज काफ़ी दिनों से चल रही है लेकिन इसके कुछ अंश आज आपको दर्शाए गए हैं। सीपेक जो है चाइना और पाकिस्तान कॉरिडोर जो काफ़ी बढ़ रहा है, सीपेक की एक्टिविटी बढ़ रही है, पहले वो नॉर्थ ईस्ट में था, अभी पूरा वेस्टर्न सेक्टर में भी उसके प्रेजेंस काफ़ी चाइनीज ट्रिप्स की बढ़ रही है। इंडियन आर्मी किस तरह लग रही है कि हमको आगे जाके जैसे वो आगे आ रहे हैं उनका पूरा प्रेजेंस बढ़ रहा है, तो हम भी अपनी प्रेजेंस क्यों नहीं आगे अपनी बढ़ा सकते हैं, क्या लग रहा है? नहीं, हमारी प्रेजेंस भी बढ़ रही है, कार्रवाई हमारी तरफ से भी हो रही है, ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, उनकी सीपेक के बहाने वो लोग पूरा जो पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर के बहाने वो लोग पहले तो नॉर्थ ईस्ट में थे, अब गवादार सब पूरा ये पूरा अब तो पूरा जैसलमेर के सामने तक पहुंच गए। देखो ऐसा है कि हर एक देश जो कार्रवाई करता है अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करता है, तो जिस तरीके से वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं अपने सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कार्रवाई करते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी जो आपने इतना बड़ा काम किया है, 250 आतंकवादी मारे हैं, उसके कारण से काफ़ी ऐसे जो मिलिटेंट्स हैं जो वापस मतलब सरेंडर करना चाहते हैं, तो आर्मी उसको मुख्य धारा में लाने के लिए किस तरह होगी? पहली बात, कार्रवाई जम्मू कश्मीर में मैं अकेला नहीं करता हूँ, सब लोग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। हिंदुस्तान फौज अभी उस वहाँ पर तैनात है, साथ में हमारे साथ अन्य जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो कार्रवाई कर रही हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस कार्रवाई कर रही हैं, और एकजुट होकर हम जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं इसमें हमें अच्छी सफलता मिली है और ये कार्रवाई आगे के दिनों में जारी रहेगी। परमाणु युद्ध का जो बढ़ गया खतरा, भारत की सेना उसके लिए किस स्तर पर तैयार है? हमें उससे कोई परवाह नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, सेना दोनों मोर्चों के लिए तैयार है चीन? पहले बता चुके हैं आप, सवाल ऐसे पूछते हैं जिनका जवाब बहुत अच्छा। सेना असल ड्राइवर की कमी जा रहे हैं, किसी और को भी पूछ, सेना के बाद असल ड्राइवर की कमी है, इंसास के बाद कोई नई असॉल्ट राइफल नहीं है। असॉल्ट राइफल है, उसके बारे में हमने आरएफपी निकाल दिया है, हमारी जो सही तरीके की हमारे को राइफल चाहिए उसकी जाँच हो रही है, उनके ट्रायल चल रहे हैं, और जब हम सहमत हो जाएंगे कि हमें यही राइफल चाहिए उसको इंडक्ट किया जाएगा। सरकार ने हमारे को परमिशन दे दी है कि जो असॉल्ट राइफल आप चाहते हैं वो आप अपनी फौज को दीजिए। अर्जुन मार्क 2, अर्जुन मार्क 1 अभी आपने देखा, इस खुद इस एक्सरसाइज में अर्जुन मार्क 1 ने हिस्सा लिया है, और इसकी सफलता के बाद हम देखेंगे कि आगे हमें क्या कार्रवाई करनी। सर, कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, क्योंकि साल की एंड हो रहा है और इस डेजर्ट में इस एक्सरसाइज का मेन मोटो, और दूसरी तरफ भावलपुर में पाकिस्तान एक्सरसाइज कर रहा है, उसको देखते हुए ये कंपैरेटिवली इस साल की सबसे बड़ी एक्सरसाइज मानते हैं? देखिए ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये सरहद के पार जो एक्सरसाइज हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए नहीं हो रही है, ये एक्सरसाइज हमारी अपनी जो प्रशिक्षण प्रणाली है उसको वैलिडेट करने के लिए हो रही है। ये दक्षिण कमान की एक्सरसाइज है और शीतकाल के समय में साल पर साल हम लोग इस इलाके में एक्सरसाइज करते आए हैं।